नमस्कार, मैं जेबा। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बुंदेलखंड न्यूज 24 टीम की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने कम समय में बुंदेलखंड न्यूज 24 को बुंदेलखंड का नंबर वन चैनल बनाने के लिए आप सभी दर्शकों को चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। डायरेक्टर है पॉलिटेक्निक क्लासेस और एंट्रेंस एग्जाम। समस्त क्षेत्रवासियों को और बुंदेलखंड न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दो पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा धीरे धीरे मारपीट में बदल गया। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। खबरों के मुताबिक ये पूरा मामला बाहर सैयर गेट का बताया जा रहा है। झगड़े और मारपीट का कारण अभी पता नहीं चल सका। किसी भी पक्ष की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस ने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर माहौल को शांत रखने की अपील की है। झांसी से पारस शर्मा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड न्यूज 24 की ओर से मैं मोहसिन खान आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इतने कम समय में आप लोगों ने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और इसे नंबर वन बनाया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। और चूंकि मैं टीचर भी हूं, तो मैं अपने बच्चों को जो सब दीपावली बहुत अच्छे से मना रहे हैं, तो उनको भी बधाई देता हूं और बहुत अच्छे से दीपावली वो मनाएं। और मेरे शिक्षक बंधु जो कि मेरे बुंदेलखंड टीचर एसोसिएशन के सदस्य हैं, सभी लोग, उन सबको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस याद रखिए कि दीपावली मनाना है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है आप सभी लोगों को। मेरा नाम आजाद वैशी है। मैं डायरेक्टर वीर भूमि बुंदेलखंड आईटीआई कॉलेज से हूँ और अध्यक्ष हूँ मैं स्टूडेंट लीग ग्रुप एसोसिएशन का। जी, आगामी त्यौहार दीपावली का शुभ पर्व सामने आ रहा है, आप इस पर्व पर देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने शहरवासियों को किस प्रकार एक शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं इस दीपावली पर सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को और सभी नगरवासियों को अपनी और अपने कॉलेज वीरभूमि बुंदेलखंड आईटीआई की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं एवं बधाई देना चाहता हूं। और सभी देशवासियों से, नगरवासियों से और क्षेत्रवासियों से मैं ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, चूँकि हमारा त्यौहार और दीपावली का पर्व कुछ ही समय बाद आने वाला है, तो सभी लोग एक सावधानी से ये त्यौहार मनाइए, क्योंकि समाज को देखते हुए कोरोना महामारी का प्रकोप अभी ख़त्म हुआ है, चूँकि रिसेंटली अभी डेंगू का प्रकोप बढ़ता गया है, तो इसको देखते हुए अपने बच्चों को सावधान रखिए और दीपावली का पर्व हंसी से, खुशी से और इन्जॉय करके सेलिब्रेट कीजिए। जय हिंद। मैं डॉक्टर फिरोज खान, अध्यक्ष बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन और मेरा भारत सेवा मिशन। बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन और मेरा भारत सेवा मिशन की तरफ से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बुंदेलखंड टीचर एसोसिएशन की तरफ से, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार जी, एसएसपी सिवारी मीणा जी और हमारे नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा जितने भी मेरे शिक्षक साथी और जो भी झांसी नगर के विद्यार्थी हैं, सभी को इस दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा आप सभी से निवेदन है, दीपावली बहुत पावन पर्व है और इस पर्व की गरिमा बहुत बड़ी है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि दीपावली पर जो आप पटाखे जलाएं वो बहुत सावधानी से जलाएं, साथ में कोशिश करें कि तेज आवाज वाले पटाखों का कम इस्तेमाल करें। और सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप सभी का ये पर्व आप सभी को सुख, शांति, समृद्धि दे और आप हमेशा स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाएं मेरी आप सबको। जी जय हिंद। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मैं झांसी का निवासी हूँ और विगत 10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में मेरा योगदान रहा है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट रहा और विगत 5 सालों से मैं अपने झांसी में एक संस्थान चला रहा हूँ, नॉलेज पॉइंट झांसी, जो IAS PCS और काफ़ी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराने में योगदान दे रही है।
जी मेरी ओर से और नॉलेज पॉइंट झांसी की ओर से समस्त झांसी वासी और हमारे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले जितने भी त्यौहार हैं अभी लगे हुए जो भी त्यौहार हैं उन सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा निवेदन युवा पीढ़ी से है कि थोड़ा पॉजिटिव रहें, बड़ों का सम्मान करें और अगर आप झांसी में अच्छा योगदान करते हैं चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, स्मार्ट सिटी सरकार की योजना है लेकिन आपको अपने शहर को अगर स्मार्ट बनाना है तो आपको उसमें योगदान देना पड़ेगा पढ़ाई के नाते और आपके विचार और आचार के नाते। संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष समस्त नगरवासियों को समस्त उत्तर प्रदेश वासी समस्त देशवासियों को धनतेरस की छोटी दीपावली की और बड़ी दीपावली की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय सर समाज। जय मंदिर।